पंजाबी गायक मास्टर सलीम दियां मुश्किलां घटदियां होईयां नज़र नहीं आ रहियां। जिहां माता चिंतपुरनी संबंधी दित्ते अपने बयान दे चलदियां मास्टर सलीम खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मंग ली सी, पर इस दे चलदियां हुण मास्टर सलीम ते पुलिस कार्रवाई करेगी क्योंकि उन्होंने खिलाफ शिकायत हुई है। इस संबंधी जलंधर देहाती दे SSP नूं शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्तावां ने कहा है कि उन्होंने सलीम के बयान नूं वेरीफाई करन दे लई माता चिंतपुरनी विखे कॉल करके पुजारियों नाल गलबात की थी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी पता लगा कि किसी भी पुजारी ने अजिही गल नहीं की, अजिहा कोई वाकया नहीं हुआ जो मास्टर सलीम ने नकोदर विखे बयान किया। तुहानू दस दिए कि मास्टर सलीम वालों माफ़ी भी मंगी गई है। माता चिंतपुरनी के दरबार जाके भी अते पटियाला काली माता मंदिर दे विच जाके भी लिखती माफ़ी मंग ली, पर कुछ लोगों वालों शिकायत दर्ज करवाई गई अते कहा गया कि पुलिस कार्रवाई करे। मैं चंद्रकांत चड्डा प्रवक्ता पंजाब प्रदेश शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और मेरे नाल मौजूद ने साड़ी पार्टी दे पंजाब दे सीनियर मीत प्रधान श्री रजिंदर बिल्ला जी गुराया तो और साड़े पंजाब दे मानयोग सकत्तर श्री गुरदीप सैनी जी फगवाड़ा तो और उन्होंने नाल जिला जलंधर के जिला प्रधान साहब ने मुकेश सियाल जी और लुधियाने के सरप्रस्त सरदार रजिंदर भाटिया जी। आज साड़ी पार्टी का जिहड़ा वफद है वो मानयोग SSP जलंधर देहाती सरदार मुखविंदर भुल्लर जी ने एक शिकायत दर्ज करवा लई आए आ जिहड़ा कि बीते दिन ही एक गायक मास्टर सलीम वालों नकोदर विच चल रही एक सूफी महफल के दौरान दुनिया भर की आस्था के केंद्र माँ भगवती के पवित्र स्थान माता चिंतपुरनी दरबार बारे एक आपत्तिजनक जी गल है उत्थे लोगों को संबोधन करन दे दौरान की गई, जिदा असी अपने वालों विरोध भी दर्ज कराया, जिदे विच उहदे वालों बयान दिता गया कि मैं महामाई के दरबार च गया उत्थे मैनू पुजारी जी ने कहा कि हो गया माँ का आशीर्वाद भी इस ना मेरे प्यो का की हाल है, बाबा गुलाम शाह जी का की हाल है, बाबा लाडी शाह जी का की हाल है, जो सानू लगता कि सनातन धर्म दीआं भावनावां नाल खिलवाड़ करन दा यतन किया गया सोचे समझे षडयंत्र दे तहत, क्योंकि तुसीं भी जे देखोगे इहदे विच दो वारी वीडियो च उस मंच दे दो वारी इस गल का जिक्र किया गया और हालांकि बाद च बंद कमरे च बैठ के माफ़ी मंगन का भी वीडियो सामने आई है, लेकिन इस बार असी सनातन धर्म प्रेमियों की जी आक्रोश है उन्होंने मुख रखते और अपनी भावनावां मुख रखते हैं माँ की प्रति साड़ी जी आस्था बिल्कुल भी असी इस बार कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं रखी। कानूनी कार्रवाई कराने के लिए मुकदमा दर्ज कराने लिए शिवसेना पहले अज शिकायत जो पहला मैं समझता प्राथमिकता तौर से दर्ज करानी पैंदी है वो दर्ज कराने आए हैं। जे आने वाले दिनों च मुकदमा नहीं दर्ज होंदा इहदे खिलाफ़ बनती कार्रवाई सख्त तो सख्त नहीं होंगी तो असी पूरे पंजाब पद्धर से मानयोग पंजाब प्रधान श्री योगराज शर्मा जी की अगवाई जिहड़ा भी सानू संघर्ष करना पिया सड़कां रोकनिया पईआं चक्के जाम करने पे जो भी संघर्ष करना पिया पूर्ण रूप च करांगे और नाल ही मानयोग अदालत वाल भी सानू रुख जे करना पिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पिया असी जावांगे। इस बार कोई भी जिहड़ी गुंजाइश है माफ़ी की नहीं होएगी क्योंकि ये लगातार ये पहली बार नहीं होया और जलंधर की मीडिया भी पता है होर भी तमाम मीडिया पता है कि अजे सिंगर लाइमलाइट अपने आप को लिया दे किसी ना किसी धर्म के बारे किसी ना किसी समाज के बारे बोलते हैं। अब बीते कुछ दिन पहला मैं देख रहा कि इस गायक वालों विवादों के जोड़ा आंदा यदा शौक है पुराना उस शौक को कायम रखदा किसी होर भाईचारे बारे भी पहला टिप्पणी की गई बाद फिर माफ़ी मंगी गई ये हमेशा पहला टिप्पणियां करते हैं लोगों दावनावान खेडते हैं बाद एक माफ़ी जी एक छोटा जहा लफ्ज़ है जो अंग्रेज सू दे गए उन्होंने ये आड़ लैके लोगों दावनावान खेडन का यतन करते हैं जो इस बार मैं समझदा शिवसेना हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे सूबे पद्धर से विरोध जोड़ा जारी है कई स्थानों से साढ़े जे शिवसैनिक ने पुतले भी फूक रहे हैं तो आने वाले दिनों जो मुकदमा नहीं दर्ज होया असी साड़ी बेनती लैके आए हैं सानू विश्वास है कि साड़िया भावनावां नू मुख रखदा प्रशासन साडा साथ दऊगा। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।